अच्छा माशाल्लाह मेरे भाई, और पाकिस्तान में सबसे और सस्ती मंडी में आपको आज दिखाने लगा हूँ। और दोस्त आपको यहाँ के कोई भी आपको ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं है, कोई गॉड फॉर्मूला नहीं है ना, आपको जो पाकिस्तान की सबसे सस्ती मंडी के आपको रेट बताए, सस्ती मंडी का विजिट कराए, जो ओरिजिनल रेट आपको बताए। लोग आपको ओरिजिनल रेट आपको बताते नहीं, शो नहीं करते मेरे भाई, क्योंकि वो कहते हैं यहाँ ओरिजिनल रेट हम शो नहीं करेंगे और ज़्यादा रेट बताएंगे। और इंशाल्लाह मेरे भाई आपको ना मेरी चीज़ तो है नहीं, मैं तो वीडियो बना के आपको आगाह कर रहा हूँ, आपको पूरी मालूमात आपको दे रहा हूँ मेरे भाई, लेना देना नसीब की बात होती है। और आज मैं आपको ना मंडी के ओरिजिनल रेट आपको पूछ के आगे बताता हूँ, भाइयों से पूछूंगा, जो मालिक होंगे ना मालिक से पूछ के आगे आपको बता दूंगा आज रेट महंगे हैं सस्ते हैं, जो वो कहेंगे आप उसके मुताबिक मेरे भाई आपने चलना होगा। बाकी और पूरी तफसील भाइयों से पूछते हैं और क्या मालूमात देते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं, क्या डिमांड करना चाहते हैं, आज मंडी ज़्यादा है महंगी है या सस्ती है। मेरे भाई जैसे आप मेरे भाई और आपको पता है ना, और अब चल रहा है बकरा का सीज़न चल रहा है, मुंद्र छतरे का सीज़न चल रहा है, अभी आपको पता है कुर्बानी का सीज़न चल रहा है मेरे भी, अभी जितने भी भाई लोग हैं ना वो कुर्बानी वाले जबर लेके आगे सीज़न लगा रहे हैं, उनके ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, जो गोट फार्मिंग करना चाहते हैं ना उनके लिए अभी माशाल्लाह उनको रेट अभी मुनासिब मिल सकता है, वो अभी फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि जो फ़ायदा करना उठाना चाहते हैं ना वो क्या करता है रमज़ान में और ईद के पहले ख़रीदारी कर लेता है, क्योंकि उस टाइम भेड़ों के रेट बिल्कुल मुनासिब और डाउन होते हैं, और डाउन इसीलिए होते हैं क्योंकि इनको लेने वाला कोई नहीं होता और इनकी डिमांड बहुत कम हो जाती है, कम से कम 10-15 हज़ार में रेट का फ़र्क हो जाता है। अच्छा ये भेड़े के पहले आपको सबसे पहले आपको भेड़े आपको ये दिखा रहा हूँ तीन। अच्छा आप मेरे भाई कहते हैं हमें भेड़े यार प्योर में चाहिए, ओरिजिनल क्वालिटी में चाहिए और फुल हैवी चाहिए। मेरे भाई फुल हैवी ओरिजिनल क्वालिटी में आप पैसे ज़ाय करने वाली बात है। देखो यार एक मेरी चीज़ तो नहीं है, मेरी जेब में पैसे तो नहीं आने, मैं आपको भाइयों वाली बात करता हूँ। देखो यार हमारी वीडियो देख देख के तो आपको अलहमदा शौक पैदा हो जाता है, साफ बात है हमने भी आपको मशवरा देना है और आप भी साफ बात है हमारी राय पे चलना होगा, यार ये हमारे लिए कौन सी भेड़ें बेहतर हैं, हम वही भेड़े बेहतर रखें। अच्छा मेरे भाई ये जो तीन भेड़े दिखा रहे हैं ना, आप इसी तरह की भेड़े रखें मेरे भाई, इसी तरह की भेड़े आपको फ़ायदा दे सकते हैं, क्योंकि ये भेड़े सर्दी गर्मी भूख प्यास सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन रेट सुनना यकीनन मेरे भाई आपका दिल खुश होगा, आप कहेंगे यार ये भेड़े हमारे लिए ये सब डन कर दो, ये हम आपके पास आ जाते हैं, जहाँ इसी तरह की भेड़े हमारे लिए खरीदारी करें, हम आपको पैसे लगवा देंगे। ये भेड़े देखें और इनकी भी मैं आपको कीमत, इनके कस्टमर वगैरह लगे हुए हैं मेरे भी, बाकी इनसे हट के मैं आपको और भेड़े आपको दिखाता हूँ। ये मेरे भी आपने भेड़े देखे होंगी, इनकी भी आपको डिमांड पूछ के आपको बताते हैं, इन तीनों भेड़ों की क्या डिमांड करें, ये मंडी कहाँ की है, मंडी महंगी है या सस्ती है, पूरी तफसील इंशाल्लाह पूछ के आगे आपको बताते हैं मेरे भाई। भैया कितनी भेड़े हैं, तीन भेड़े हैं। अच्छा सबसे पहले ये बताएं भैया ये मंडी कहाँ की है? हाँ जी है। ये जगह का नाम क्या है? नाड़ी फार्म। इतवार वाले दिन लगती है ना, और ये डेरा है कोई शहर के साथ या दूर है? ये शहर की मंडी है, गाँव की मंडी है, गाँव की मंडी है। तो मैं शहर से यहाँ तक कितना टाइम लगता है? घंटा डेढ़ लग जाता है, ऐसा ही है मेरे भाई, घंटा डेढ़ पक्की बात है लग सकता है मेरे भाई यहाँ पे। अच्छा ये जो इनकी कीमत पूछेंगे क्या डिमांड करते हैं भैया, क्या डिमांड कर रहे हैं? फाइनल बताना, 25-25 हज़ार बता रहे हैं मेरे भाई आपके सामने भेड़े भी, माशाल्लाह आप ये देखने होगी मेरे भी। और गब्बा ने खा लिया है? दो तैयार है। कितना चमकी गब्बा ने? कितने सुबह में? दूसरा सुबह में 4-4 महीने की प्रेगनेंट बता रहे हैं माशाल्लाह, चीज भी देखे माशाल्लाह, इंशाल्लाह इसी तरह की भेड़े रखी, ये मजीद भी इंशाल्लाह ये कमी पेशी हो जाएगी मेरे भी। आज रेट बिल्कुल मुनासिब है अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह ये मुझे रेट बहुत पसंद है। ये भी लाख की भेड़ आप ये देखें, अगर गोट फॉर्मिंग कर रही है मेरे भी, आप लाटिंग हिसाब से ले, लाटिंग हिसाब से ये होता है रेट आपको वारे का और मुनासिब मिल जाता है। चाचू क्या कीमत कर रहे हैं? 25 हज़ार। गब्बा ने खा ली है? मुंह से चार दांत है, पहले सुबह में दूसरे में, दूसरे सुबह में मुंह से चार दांत मेरे भी बता रहे हैं, फाइनल 25 हज़ार इनकी डिमांड करने लगे हैं मेरे भी। ये इनके ओरिजिनल रेट माशाल्लाह भेड़ों के निकलने लगे हैं माशाल्लाह। और बाकी और भी भेड़े मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, इनके अभी कस्टमर लगे हुए हैं बाकी, और ये भेड़े आप ये देखें मेरे भी। और देखें मैं जो वो बात बताता हूँ मेरे भाई, कभी भी मैं अपनी तरफ किसी का रेट वगैरह, किसी का वजन वगैरह, किसी की मैं बात दांत मुँह से क्या है जो वो कहेंगे उनके मुताबिक चलूंगा मेरे भाई, क्यों मैं आपको झूठ बोलूँ, गलत बयान करूँ मेरे भाई,
देखो एक मैं 100, 200, 300 की जगह पे मैं आपको झूठ बोल दूं यार, ये बहुत गलत बात होती है मेरे भी। और एक कारोबार करने के दो तरीके थे, एक होता है कारोबार से इज्जत कमाना, दूसरा कारोबार से पैसा कमाना। हम इज्जत कमाने वाले, पैसे कमाने वाले जरूर नहीं है मेरे भाई, दुनिया का माल दुनिया में रहेगा। अच्छा भैया ये कितने बेड़े हैं? 4 बेड़े हैं। अच्छा पुराने तो खाली हैं, डब्बन 4 बेड़े माशाल्लाह, और पेट आपके सामने नज़र आ रहे हैं, और 4 बेड़े माशाल्लाह इस भाई के पास खड़ी हुई हैं। यार इनकी क्या डिमांड करने लगे भैया? फैन कितने के हैं? जिसमें एक पैसे की कमी पेशी नहीं होनी चाहिए 35,000 के हिसाब से। अगर कोई मेरा दोस्त मेरा भाई जो दूर से आ क्या रहा है, हो जाएगी मस्जिद भी हो जाएगी ना? और मस्जिद भी भाई कहता है रियायत तो हो जाएगी मेरे भाई आपके सामने। 4 बेड़े कितने सुबह में है? दूसरा सुबह में। अच्छा ये भी भेड़ आप ये देखें, लोग के देखो ऐसा करते हैं मेरे भैया गाँव के लोग, भेड़े नॉर्मल रखते हैं, बच्चे अच्छे उनके क्वालिटी के होते हैं। आप इनका बच्चा देखें, बच्चा माशाल्लाह कैसा प्योर में माशाल्लाह, ये लाके में बच्चा आ रहा है। भेड़ को देखें आप कहेंगे यार ये देसी भेड़ है। आप नस्ल भी देखें और बच्चा भी माशाल्लाह ये भी देखें। भैया क्या डिमांड कर रहे हैं? 60,000। फैन कितने की है यार? 45,000 के। देखिए बच्चे वाली भी भेड़ है अलहमदिल्ला 45,000 की डिमांड कर रहे हैं। फीमेल है नीचे मेल है? यानी फीमेल है मेल है? नर है और मेल है माशाल्लाह। बच्चा भी देखें कितनी उम्र इनकी? 2 महीने। 2 महीने का बच्चा भी साथ है, भेड़ भी है, और 45,000 की डिमांड करने लगे हैं मेरे को। देखें रैच अलहमदिल्ला बहुत मुनासिब है। बाकी और भी माशाल्लाह भेड़ें आपको दिखाता हूँ मेरे भाई। अच्छा बाकी और भी माशाल्लाह भेड़ें खड़ी हैं, ये भी माशाल्लाह भेड़ें खड़ी हैं आपके सामने मेरे भाई। और मुख्तलिफ यहाँ पे भेड़ें अलहमदिल्ला आई हुई हैं, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल क्वालिटी की भेड़ें आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी, लेकिन अच्छी क्वालिटी में भी मिलेगी, लेकिन फ़ायदा ज़्यादा इसमें होता है क्योंकि जिस जानवर की ज़्यादा डिमांड होगा ना वो ज़्यादा जानवर मंडी पर वो ही आता है मेरे भाई, आपको पता है। और जो कि डिमांड ज़्यादा हो लोग फ़ायदा इसलिए उठाते हैं, वो नॉर्मल क्वालिटी की भेड़ें रखते हैं, अच्छी क्वालिटी का ब्रीडर रखते हैं। हालांकि हम तो मेरे भाई हम भी यही करते हैं, हमारे पास भी ऐसा ही है मेरे भाई, हमने भी नॉर्मल क्वालिटी की भेड़ें रखे हुए हैं, ब्रीडर बहुत हैवी क्वालिटी का छोड़ा, लेकिन फ़ायदा हमने खुद उठाना है मेरे भाई। भैया क्या डिमांड करें इनकी? देने कितने की है? 40,000 बता रहे हैं, डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं मेरे भाई। और भी भेड़े माशाल्लाह ये भी देखे हैं, और क्योंकि कस्टमर वगैरह लगे हुए हैं, अच्छी अच्छी भेड़े माशाल्लाह यहाँ पे मौजूद है माशाल्लाह। और इनकी भी भाई से कीमत लेते हैं और ये क्या कीमत करते हैं। ये भी भेड़ माशाल्लाह बड़ी और लाखे में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और ये भेड़ आ रही है, और इनकी भी पूरी तफसील लेके पूछेंगे। अगर इनमें मेरे भाई जो पसंद आती है ना वो मैं आपको कार्गो भी भेजूँगा। काफ़ी कुछ दोस्त होते हैं ना वो नाराज़ होते हैं, खफा होते हैं, वो कहते हैं यार यूसुफ भाई आपने उनका नंबर क्यों नहीं बताते? मेरे भाई कुछ नंबर के मैंने इन लोगों को बता दिया, लेकिन उन्हें दिखाया कुछ है, दिया कुछ है, फिर मुझे कमेंट पढ़ते हैं मेरे भाई यूसुफ भाई आप सही नहीं है। लाल देखो आप मुझे जानते हो, उनके नहीं जानते, अब मेरी वजह से उनको पैसे लगवा देते हैं, साहब जिम्मेवार तो मैं हो गया हूँ ना। और अच्छा देखे आप अगर जबर लेना चाहते हैं ना मुझसे रब्ता करके, यूसुफ भाई हमें जबर पसंद है, इतने काम में लेके दे, मैं उसमें जिम्मेवार भी हूँ और जवाबदार भी होंगे, वो जानवर भी इंशाल्लाह आपको भेज दूंगा। बाकी इसकी भाई से डिमांड लेते हैं कि क्या डिमांड करते हैं भाई जान, क्या डिमांड कर रहे हो इनकी? 45,000 भैया। देने कितने के? 40,000। यार फैन बात कर रहे हैं, एक पैसे की कमी पेशी नहीं होनी यार चाहिए, चीज माशाल्लाह अच्छी भेड़ है, मैं भेड़ की कमी नहीं निकाल रहा, चंगी भी भेड़ है वो, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। डिमांड भी बता दें यार, 36,000 30,000 की हो जाएगी? 30,000 की। फाइनल तो 35,000 ही दे सो चंगे लगे यार, मेरे समय में 30,000 है, 30,000 नहीं मेरा 35,000। दूसरा भाई थोड़े दार पे लो मसला अगर शायद नहीं, देखो जितने की चीज होगी ना, मेरी चीज नहीं है आपकी चीज है, मेरे समझ में 30,000 कहते हैं। देखे यार इतना दूर से मेहमान आते हैं, भाई लोग आते हैं, देखो उनको अपने शहर से सस्ती चीज यहाँ पे मिलनी चाहिए, खर्चा मेहनत करके आते हैं। 30, 31, 32 बता रहे हैं, मैं तो अपनी सोच पे मेरे भाई बिल्कुल राज सही बता दिया। गब्बर ने खा लिया? 4 महीने। कितने सुबह में? मुँह से क्या है? मुँह से 4 दांत। और दूसरा सुबह गब्बर बता रहे 4 महीने की प्राण बता रहे मेरे भी। और अच्छा और भी माशाल्लाह भेड़े आप ये देखें, और भी एक ये भी भेड़े माशाल्लाह, मैं आपको भेड़े आपको दिखा रहा हूँ, दिखाने लगा, ये कतार में माशाल्लाह भेड़े खड़ी हैं, काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी भेड़े ये भी खड़ी हुई हैं। ज़्यादा लेने के लिए, ज़्यादा लाद खरीदने के लिए ना रेट बिल्कुल मुनासिब मिल सकता है आपके सामने। और जो लोग यहाँ पर लेके अभी तक मेरे सामने किसी का एक कभी सौदा नहीं हुआ, क्यों ले? अभी कुर्बानी का सीज़न चल रहा है मेरे भाई, अगर फ़ायदा उठाना है आपके पास, गोट फार्मिंग ऑलरेडी है, आपने फ़ायदा उठाना है ना,
अभी से मेरे भाई खरीदारी कर लें, आपको 15,000 आपको भेड़ सस्ती मिल जाए। तो क्या चाहते हैं, अगर कहेंगे यार हम खुद लेट खरीदेंगे फिर इनके रेट ऊपर चले जाएंगे, 15,000 भेड़ महंगी चले जाएगी। वही फायदा है मेरे भाई, अगर 50 रखनी है ना, 50 की जगह पे आप 70 भेड़ 80 भेड़ आप रख सकते हैं, 50 भेड़ों के पैसे भर के ना 70 तो 80 भेड़ आपको मिल सकती है। अच्छा, इनके डिमांड वगैरह लेते हैं, इनकी क्या डिमांड करते हैं और रेट क्या बताते हैं, कितने सुए में है, मुँह से क्या है, पूरी तफसील इंशाल्लाह भाइयों से पूछ के इंशाल्लाह आपको बताएंगे। जो वो कहेंगे उसके मुताबिक इंशाल्लाह मैं आपको बात करूंगा, ना मेरी चीज़ है, मालिक है, मालिक से खुद पूछ के आगे आपको बता दूंगा। लेकिन ये है आपका यूसुफ भाई, इसमें जानवरों में जिम्मेवार होता है, गारंटी के साथ जानवर इंशाल्लाह आपको मिलेंगे मेरे भाई। भजन कितनी भेड़े टोटल? 10 भेड़े माशाल्लाह और खड़ी हुए हैं। अभी तक कोई सुबह की सेल हुई है या नहीं हुई? सेल नहीं हुई यहाँ पे। और डिमांड क्या चल रही है, ज्यादा महंगी है मंडी या सस्ती है? 5,000 से 6,000 जानवर सस्ता है। ये किस लिए सस्ता है, क्या रीजन है इसके पीछे? गंदम आ गई है, लोग गंदा नहीं पिया। अच्छा, गंदम और रमजान शरीफ की वजह से और यहाँ पे और बाहर का गाहक और कस्टमर जो है वो नहीं आ रहा। अच्छा, इनकी क्या डिमांड कर रहे हैं? फाइनल कितने के? फाइनल 23,000 के हिसाब से। अगर कोई दोस्त मेरा भाई कोई इतना दूर से आया, मजीद कमी पेशी हो जाएगी? हो जाएगी ना। और कितना टाइम की गबन बताया? 4 से 4.5 महीने। कम से कम 3 महीने की प्रेगनेंट बता रहे हैं मेरे भाई, ज्यादा से ज्यादा 4 महीने की बता रहे हैं। और कितने सुबह में, कितने सुबह में? पहले सुबह तो दूसरा सुबह। मुँह से क्या है? 2 दांत 4 दांत। मुँह से 2 दांत 4 दांत और 6 दांत भी इसमें नहीं बताया, इसमें खीरी भी नहीं बताया मेरे भी। ये देखें माशाल्लाह आपके सामने भेड़े खड़ी हुई हैं और बाकी और भी ये भी भेड़े माशाल्लाह देखें, ये भी मैं आपको कैसे अच्छी क्वालिटी की अलहमदिल्ला भेड़े आपको दिखा रहा हूँ। भेड़े आपको A1 क्वालिटी की अलहमदिल्ला आपको मिलेगी। भेड़े मेरे भी वो रखें जिसमें आपको फ़ायदा हो। अगर आप कहेंगे यार हमें बड़ी चाहिए, बड़ी यार फंडर हो, तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? भेड़े जो होते हैं ना वो सही होते हैं, नॉर्मल होते हैं। जो मुंद्रे छतरे होते हैं वो मोटापे में होने चाहिए। अगर भेड़ मोटापे में ज़्यादा होगी ना वो फंडर होगी, क्योंकि उनके ऊपर चर्बी चढ़ जाती है। जब ना चर्बी चढ़ती है तो अलग वो बच्चे देने के लिए काबिल नहीं रहती मेरे भी। अच्छा, ये देखें और 3 भेड़े भाई की ये खड़ी हुई है माशाल्लाह, और कक्के और लाखी। और देखें और पहले नंबर पर कक्की आ रही है ना, दूसरे नंबर पर लाखे में आ रही है, तीसरे नंबर पर भी लाखे में आ रही है। इनके नकोड़े फेस मेरे भी आप देखें, जो भाई कह गए उसके मुताबिक चलेंगे। इनकी क्या डिमांड करते हैं भाई, क्या डिमांड करें इनकी? फाइनल कितने की है? 30,000 के हिसाब से फाइनल है। इसमें मजे की कमी पीछे हो जाएगी? फाइनल है, फाइनल 30,000 बता रहे हैं माशाल्लाह। भेड़े भी तो अच्छे भेड़ों में कमी नहीं है माशाल्लाह। अगर ये 3 भी चाहिए तीनों भी आपको मिल सकते हैं, कार्गो भी मिल सकते हैं, आना चाहते हैं अच्छी बात है और ख़ुद भी आ सकते हैं। अच्छा यार, गब्बर खाली है? कौन से खाली है? सेंटर वाले जो जिसके ऊपर मेहंदी लगी हुई है ना, ये खाली बता रहे हैं, बाकी 2 तैयार बता रहे हैं। कितने सुए में? पहले सुए में मुंह से क्या है? मुंह से 2 दांत पहले सुए में अलहमदिल्ला भेड़े आपको बता रहे हैं। अच्छा, ये भी माशाल्लाह कतार में भेड़े, ये भी अलहमदिल्ला ये खड़ी हुए। आप इनकी भी आपने तफसील आपको बताता हूँ, इनकी भी मालिक से पूछ के आगे बता दो। आप ना इनके नकोड़े देख लें मेरे भी, आप नकोड़े फेस देखें, साफ बातें देखें। इनके ऊपर अच्छा ब्रिज छोड़ा हुआ था, अच्छी ब्रिजिंग करवाई थी ना, इनके आगे अच्छी नस्ल आई हुई है। आपके सामने नस्लें रखे माशाल्लाह, आप ब्रिजर के ऊपर होते हैं मेरे साला, ये चीज़ देखिए मेरे भाई, जितना अच्छी नस्ल रखेंगे ना उतना कल को आपको फ़ायदा होगा। अगर आप हर साल कुर्बानी का सीज़न लगाते हैं, मुंद्रे लेके आप पालते हैं, आप फिर आग साल मेहनत खरीदते हैं, यार एक बार सस्ती भेड़ खरीद रहे हैं, यही आपके पास होकर बच्चे देगी, आप इसका फ़ायदा उठा के देखें ये आपको भेड़ कितना फ़ायदा दे सकती है। अच्छा, इनकी भी कीमत वगैरह रेट वगैरह पूछते हैं, उनकी क्या डिमांड करते हैं और पुराने हैं गब्बर हैं खाली हैं, जो तफसील है ना भाइयों से इंशाल्लाह पूछ के आगे आपको बताएंगे मेरे भाई। भाइयों से कीमत लेके आपको बताता हूँ मेरे भाई। भजन कितनी भेड़े हैं? 6 भेड़े 2 मुंद्रे। ये इनके बच्चे जो वो अलग हैं? वो अलग है। चलो अच्छा, वो थोड़े बच्चे दिखा दें भैया। बच्चा देखिए माशाल्लाह, आप इनकी खूबसूरती। और ये किस नस्ल में आ रहा है? कक्का। और इनका नकोड़ा मेरे भी आप फेस देखें, जिस जानवर का मोटापे में नकोड़ा हो ना वो ज़्यादा अच्छे वाला होता है, जब जिसका नकोड़ा ब्रेक हो ना वो नस्ल में थोड़ा कम होता है। इसका नकोड़ा मोटापे में है माशाल्लाह। आप इनके जी सुल्तान का बच्चा। और चीज़ भी देखें इनका, और उम्र इनकी रेट वगैरह भी पूछते हैं और वज़न भी पूछते हैं, और इनकी उम्र भी पूछते हैं, इनकी क्या और उम्र और वज़न बताते हैं मेरे भाई। जानवर देखें, जानवर में माशाल्लाह कोई भी कमी नहीं है भाई। इनकी क्या डिमांड कर रहे हैं? डिमांड 80,000। देना कितने का है?
فائنل کمی پیشی نہیں ہوگی. عمر کیا ہے ان کی؟ عمر 6 مہینے. 6 مہینے. وزن کیا ہوگا؟ پنجاب کلو. وزن 6 مہینے عمر. اور کتنا عمر وزن رج کیا بتایا؟ 75,000 ان کی ڈیمانڈ کرنے لگے ہیں میرے بھائی. اور چیز میں کمی نہیں ہے, صرف ان کے خوبصورتی کے اوپر پیسے تھا. چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہوتی, نسل کی بات نہیں, نسل کی بات ہوتی ہے. یہ خود ہی مالک بتا رہے ہیں میرے بھائی, اور مالک کے مطابق انشاءاللہ آپ کو آگے ریٹ بتا رہا ہوں. لیکن یہ ہے, لیکن زیادہ سیل کرانے کی وجہ سے نا الحمدللہ ریٹ ہمیں مناسب مل سکتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم کسی کو مہنگے لے کے نہیں دیتے, کیونکہ ہمارے بھی جو دیکھتے ہیں ہمارے شوق پیدا ہوتا ہے میرے بھائیوں کو, اور صاحب بات ہے یار وہ بھی بچوں کے لیے روزی کرنے کے لیے رکھتے ہیں, اور انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہونا چاہیے. آپ نکوڑا اور ان کا فیس دیکھیں, میرے بھی میلی کچہری کھڑے ہوئے ہیں, اور اس کو بھی شمپو وغیرہ لگ جاتا ہے, کہیں پہ کہیں چلی جائے گی. منہ سے بھی دو دانت دیکھیں ماشاءاللہ. اچھا یار یہ کتنی بھیڑیں ہیں؟ 6 بھیڑیں ان کے پاس ماشاءاللہ کھڑی ہیں. یہ پرنیچر خالی ہے. کتنا ٹائم گئی؟ چار مہینے کی گبن بتا رہے ہیں. اور کتنے سوئے میں؟ چار بیڑے پہلے سوئے میں. دو بیڑے دوسرے سوئے میں. 4 بیڑے اور پہلے سوئے میں آ رہے ہیں. اچھا کم سے کم کتنا ٹائم کی گبن ہے؟ زیادہ سے زیادہ کتنا ٹائم کی گبن ہے؟ چار مہینے اچھا برابر. اور ٹھیک ہے, اچھا کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو بھیا؟ ڈیمانڈ ہے دینے کتنے کی ہے؟ ایک پیسے کی کمی پیشی نہیں کرنی. دیکھیں اور مالک سے مطابق آگے بتا رہا ہوں. 32,000 ان کی قیمت بتا رہے ہیں میرے بھائی, گبن فرنچ بتا رہے ہیں, اور ان میں مزید کمی پیشی ہو سکتی ہے ماشاء اللہ کافی, اور مزید کمی پیشی ہو جائے گی. ہو جائے گی نا کمی پیشی اور؟ زیادہ ہے, زیادہ کمی پیشی ہے بھائی. نہیں بھائی مجھے پتا ہے, ہم بھی کام کرنے والے, ہمیں بھی پتا ہے. اور ٹھیک ہے میرے بھائی, شاید ان کا کسٹمر لگا ہو یا گاہک لگا ہو نا, اس لیے تھوڑا زیادہ قیمت بتا رہے ہیں. ان کے چیز ہے ان کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں.